हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को पूरी जानकारी देने वाला हूं बिहार बोर्ड के मैट्रिक और इंटर पास छात्र एवं छात्राओं के लिए कि बिहार सरकार के द्वारा जो बिहार स्कॉलरशिप दिया जाता है दोस्तों मैट्रिक और इंटर के पास स्टूडेंट्स के लिए, तो वो कैसे मिलता है, कब मिलता है, कितने रुपये मिलते हैं, किन छात्रों को मिलते हैं, पूरी जानकारी के साथ लेकर आया हूँ। बहुत सारे छात्रों का कमेंट आ रहा था दोस्तों कि इस पर एक वीडियो बनाइए, मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। देख सकते हैं पेपर में भी आया है कि इंटर पास छात्राओं को मिलेंगे 10,000 रुपये, पूरी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों बने रहिए दोस्तों इस वीडियो के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो वीडियो के नीचे जो लाल रंग में सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको दबा दीजिए, और दबाने के साथ एक घंटा भी आएगा दोस्तों उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो लेकर आऊँ इसी से रिलेटेड तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं बिहार बोर्ड से रिलेटेड काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आते रहता हूँ जो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है, इसलिए चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर देना। जो भी छात्र आप जो भी फ्रेंड्स जो है आपका मैट्रिक या इंटर का एग्ज़ाम दिया है दोस्तों, ठीक है, उन सभी छात्रों के पास ये वीडियो को पहुंचा दो ताकि वो भी जान सके कि ये छात्रवृत्ति क्या होता है, कैसे मिलता है, ठीक है, क्या क्या लिया जाता है और क्या तरीका है लेने का। दोस्तों इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं, ठीक है, तो बने रहिए दोस्तों इस वीडियो के साथ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ दोस्तों कि बिहार बोर्ड के जो मैट्रिक और इंटर पास स्टूडेंट्स हैं उसको छात्रवृत्ति के लिए क्या होना चाहिए पात्रता, यहाँ पर देख सकते हैं बिहार स्कॉलरशिप बन रही है दोस्तों। 5 से 6 मिनट का वीडियो होने वाला है, पूरी जानकारी दूंगा कि कैसे मिलता है आप सभी को, कब मिलता है, क्या क्या करना होता है, कौन सा डॉक्यूमेंट रखना पड़ता है आप सभी को, तो बने रहिए इस चैनल के साथ। देखिए बिहार स्कॉलरशिप ओबीसी एससी एसटी के लिए ये बताया जा रहा है दोस्तों कि आवेदन करने वाले बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए, यानी बिहार में ही उनका जन्म होना चाहिए। एक परिवार से 2 कैंडिडेट इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी एक परिवार से जो है 2 ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं एक वर्ष। यहाँ पे बिहार स्कॉलरशिप ओबीसी एससी एसटी 2019 के लिए सालाना आय जो है 2.5 लाख और उससे नीचे होना चाहिए, ठीक है, 2.5 लाख से नीचे। उसके बाद देखिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए आप सभी को। सबसे पहले मैं आप एडमिट कार्ड जो आप सभी का एग्ज़ाम का है मैट्रिक और इंटर का मार्कशीट कितना नंबर आया है, फर्स्ट डिवीजन हुआ है या फिर सेकेंड डिवीजन हुआ है, मैं बताऊँगा कि किन किन छात्रों को मिलता है। यहाँ पर आय प्रमाण पत्र जो 6 महीने के अंदर होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ये सभी डॉक्यूमेंट आप सभी के पास होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर दिखाता हूँ दोस्तों कि 10,000 की जो स्कॉलरशिप मिलता है ये मैट्रिक वालों को मिलता है, ठीक है, मैट्रिक वालों को फर्स्ट डिवीजन का, सेकेंड डिवीजन वाले को दोस्तों नहीं मिलता है। हो सकता है कि ये इस बार से जो है चुनाव है, हो सकता है नियम लागू कर दे कि 10th वालों को सेकेंड डिवीजन वाले को भी मिलेगा, या फिर सेकेंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन रहे दोस्तों पोस्ट मैट्रिक होता है उसका भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, जैसे ही जून जुलाई में उसका भी फॉर्म आता है तो मैं आपको भर के भी दिखाऊंगा, उसमें सभी छात्रों को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बिहार बोर्ड की तरफ से जो दिया जाता है दोस्तों, जो भी छात्र फर्स्ट डिवीजन प्राप्त करते हैं मैट्रिक और इंटर में, देखिए छात्राओं को जो है कन्या उत्थान योजना के तहत, मैं आप लोग को यहाँ पर चलिए पेपर के माध्यम से दिखा देता हूँ दोस्तों बिहार स्कॉलरशिप का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इंटर पास छात्राओं को मिलते हैं दोस्तों 10,000 रुपये। देखिए राज्य सरकार ने बेटियों के लिए खोला खजाना दोस्तों, स्नातक पास छात्राओं को 25,000 रुपये दिए जाते हैं, स्नातक पास यानी जो लोग ग्रेजुएट कर लेते हैं दोस्तों उन छात्राओं को यानी लड़कियों को जो है 25,000 रुपये दिए जाएंगे, और योजना जो है इसी साल से होगी लागू, बताया जा रहा है दोस्तों इसी साल से जो है योजना लागू हो जाएगा, और इंटर पास छात्राओं को मिलेंगे 10,000 रुपये, ठीक है दोस्तों, ये मैं आप लोगों को बता दिया। अब चलिए आपको बताता हूं दोस्तों मैट्रिक वालों के लिए, यहां पे देख सकते हैं जैसे आधार कार्ड जो है होना अनिवार्य है, आवेदनकर्ता के पास आय प्रमाण पत्र का भी होना अनिवार्य है, जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, ये सभी आवेदन, किस कॉलेज में आप लोग पढ़ रहे हो स्कूल में उनका मार्कशीट होना अनिवार्य है, और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। अब चलिए बताता हूँ दोस्तों आप सभी को कि कैसे ये मिलता है। देखिए सबसे पहले इसका जो मैं आपको बता दूं कि लाभ जो आपको मिलेगा मैट्रिक और इंटर के फर्स्ट डिवीजन वाले छात्रों को, ये जुलाई और अगस्त में मिलता है। जुलाई और अगस्त में आप लोगों को स्कूल में जाना होगा, जैसे ही आप लोग कॉलेज में या इंटर वाले ग्रेजुएट में यानी बीए बीएससी या बीकॉम में नाम लिखाएंगे, और फिर मैट्रिक वाले जो है इंटर में नाम लिखाएंगे, उसके बाद जो है प्रोसेस जो होता है दोस्तों छात्रवृत्ति का होता है। जब पूरी तरह से मार्कशीट आपका ओरिजिनल आ जाएगा, मैं आप लोगों को वीडियो भी बना दूंगा कि आखिरकार जो है मैट्रिक और इंटर का मार्कशीट आ गया है, तो चैनल पर दोस्तों बने रहिएगा, देखते रहिएगा वीडियो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को चलिए बता देता हूँ कि आप लोगों को जो छात्रवृत्ति है मैट्रिक और इंटर का, वो आपको जुलाई और अगस्त के मंथ में मिलता है। तो सब वहाँ पे आप लोग को करना क्या होगा, स्कूल में पता करना होगा, स्कूल के किसी टीचर का नंबर ले लीजिएगा या फिर स्कूल में पता करते रहिएगा, देखिए कब आपका जो है स्कूल की तरफ से ये फॉर्म आता है आपको भरना होगा, उसके साथ साथ जितना भी डॉक्यूमेंट होगा वो आपको लगाना होगा। आवेदन में छात्रा का नाम, ठीक है, विद्यालय का नाम, बोर्ड का नाम,
किस बोर्ड से आपने पास किया है, रोल कोड, रोल नंबर, बैंक खाता संख्या, IFSC कोड, ये सब और अभिभावक छात्रा अथवा दोनों के अभिभावक पिताजी का नंबर, मोबाइल नंबर की जानकारी देनी होगी। अगर छात्रा की आधार संख्या है तो भी उसे देना ही होगा, ठीक है, ये आपको बता दिया। अब मैट्रिक वालों के लिए चलिए बताता हूँ दोस्तों, इंटर वालों के लिए बता दिया कि देखिए इंटर वालों का जुलाई और अगस्त में आप लोगों को एक फॉर्म आएगा दोस्तों स्कूल के माध्यम से। स्कूल में आप लोग पता करिएगा जब आप लोगों का BA BSc BCOM में नाम लिखा जाएगा उसके बाद, ठीक है। बहुत सारे छात्रों का कमेंट आ रहा था कब मिलते हैं ये स्कॉलरशिप, तो मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों कि आपको जो स्कॉलरशिप की छात्रवृत्ति जो मिलने वाली है वो आपको जुलाई और अगस्त के मंथ में इसके बाद ही मिलेगी, ठीक है। किसी कॉलेज में जो पहले ही आ जाता है, किसी किसी कॉलेज में बाद में आता है। बहुत से छात्रों को अभी भी नहीं मिला है 2018 में जो पास हुआ है, और बहुत से छात्रों को मिल भी चुका है, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों कि थोड़ा लेट से लेकिन ज़रूर मिलता है, ठीक है। आपका जो एक बार आ जाता है पैसा तो वो किसी न किसी दिन आपको मिल ही जाएगा अगर आप लोग उस पर लगे रहते हो तो। आपको स्कूल में आपके नाम से आ जाता है पैसा, लेकिन स्कूल वाले जो आपको ट्रांसफ़र नहीं करते हैं स्कूल में आप लोग पता करते रहिएगा। अब टेंथ वालों के लिए बता दूं दोस्तों, टेंथ वालों का भी जो है अगस्त से सितंबर अक्टूबर तक मिल जाता है रुपये, उसका भी आपको फॉर्म स्कूल से ही मिलेगा, कॉलेज से ही मिलेगा। जो भी स्कूल हाई स्कूल में आपने पास किया उसी स्कूल से मिलेगा आपको फॉर्म। वहाँ भी आपको सारा डॉक्यूमेंट लगाना होगा दोस्तों कि मैंने इंटर में नाम लिखा लिया है, उसका रसीद आपको लगेगा। और इंटर वालों छात्राओं के लिए उसका भी आपको BA BSc या BCOM का रसीद लगेगा, ठीक है। तो इसलिए देखिए आगे की पढ़ाई के लिए देता है ये छात्रवृत्ति, ठीक है। आपको अगर नाम लिखा लेते हो इंटर में तभी दिया जाएगा आपको 10,000 रुपये। मैट्रिक वालों के लिए फर्स्ट जन लड़का हो या लड़की दोनों को मिलता है। और इंटर वालों के लिए बता दो, अगर आप BA BSc BCOM में नाम लिखा लेते हो उसका रसीद लगाओगे तभी मिलता है। इसलिए बहुत से छात्रों को नहीं मिलता है, बोलता है कि हम फर्स्ट जन हो गए लेकिन वो आगे की पढ़ाई नहीं करते। आगे की पढ़ाई करोगे तभी आपको छात्रवृत्ति का लाभ मिलने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। अगर किसी भी तरह का भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर मुझे बताना दोस्तों कमेंट के माध्यम से, मैं आपका हेल्प जरूर करूँगा, ठीक है। और जैसे ही इसका फॉर्म आएगा दोस्तों तो मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि आखिरकार फॉर्म जो है आ चुका है, अभी नहीं आया है, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दिया कि जुलाई और अगस्त के मंथ में ये फॉर्म निकलते हैं, आपको भरना होगा, सभी डॉक्यूमेंट आपको तैयार करना होगा। अगले मंथ में या फिर इसी मंथ में अपना जो है आपका आय प्रमाण पत्र, जाति, आवासीय, तीनों बनवा लेना, ठीक है। ज़रूरत पड़ेगा, 6 महीने के अंदर होना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, पूरी जानकारी दे दिया हूँ। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, प्रश्न हो तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताना, मैं उसका हेल्प जरूर करूँगा, ठीक है। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे के नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।